अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लें। आमिर लोगों से दूर रहे, सबसे ज़्यादा जादू और सफलिंग वही आपके ऊपर कर रहे हैं, तभी आपका कोई अमल कामयाब नहीं हो रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए और सदा सलामत रहें। इस्तखारा और रूहानी इलाज के लिए आप व्हाट्सएप नंबर अलाउ किया गया है, आप वहाँ पर अपना मसला बयान करके बात कर सकते हैं। आज का एक ख़ास अमल काली मिर्च का अमल। काली मिर्च का अमल बहुत ज़्यादा ताकत रखता है और नायाब है, लेकिन उसका तरीका कभी कोई ठीक नहीं बताता। आज एक ख़ास तरीका मैं आपको बताऊंगी, उस तरीके से अमल करें, इंशाल्लाह कामयाब होंगे। अमल में वक्त आप इशा की नमाज़ का रखें, ज़्यादा अफसल है। अमल में जो दिन आपने रखना है, दिन जुमेरात का रखें तो ज़्यादा मुतबर है। दुरूद पाक 11 मरतबा, दुरूद पाक 11 मरतबा आपने पढ़ना है। नमाज पाबंदी ख़ास लाजिम है। अमल की जो तादाद है उसका एक ख़ास तरीका है जो मैं आपको अब समझाऊंगी, लेकिन गौर से अगर ये अमल आप समझ लेंगे एक दफ़ा, किसी और अमल करने की ज़रूरत कभी पेश ही नहीं आएगी। 7 काली मिर्च आपने लेनी है, 7 अदद काली मिर्च आपने लेनी है। इस काली मिर्च का एक ख़ास तरीका है, जब आपने 7 काली मिर्च लेनी है तो आपने पहले 7 काली मिर्च पर आपने एक बात या दुआ या पुकारना होता है, ठीक है। अब पुकारने वाला कौन है, जिससे आप प्यार करते हैं, जिसको आप हाजिर करना चाहते हैं, जिसको आप तलब करना चाहते हैं। 7 काली मिर्च लेकर हाथ में पकड़ें और उसको आवाज़ दें जिससे आप प्यार करते हैं, जिसको हाजिर करना चाहते हैं। मन तालिब हाजिर शु 7 मरतबा बोलें, चूँकि दम करें या वुदू कब करना है। जब आप मन तालिब हाजिर शु 7 मिर्चों पर पढ़ लें, एक गिलास पानी लें, उसमें उन मिर्चों को छोड़ दें। मिर्चों को आप कम से कम 3 से 4 घंटे पानी में छोड़ ही रखें। बेशक पानी को थोड़ा नीम गर्म कर लें, मिर्चें फूल जाएंगी। फिर एक सुई लें, सुई में उन मिर्चों को आप जितनी भी मिर्चें हैं एक एक करके सुई में लगाकर आप जलाएं। जलाना मोमबत्ती में है, कैंडल में, चूल्हे पर भी जला सकते हैं, लेकिन मोमबत्ती पर भी जला सकते हैं। या वुदू आप पढ़ते रहें, जब मिर्च जलाएंगे, जलाते वक्त या वुदू पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब आप मिर्च जला लें, 7 काली मिर्चों को आपने 7 मिनट में ही जलाना है, 8 मिनट में नहीं जलाना। हर मिनट में एक मिर्च आप जला सकते हैं। 7 बार तसव्वुर में आपने, जब आप ये अमल पानी में जब आप करते हैं ना, काली मिर्चों को पानी में आप डाल देते हैं और मन तालिब हाजिर शु कहते हैं, फिर जब आप 7 मिनट में 7 काली मिर्चों को जलाते हैं और या वुदू ला तदाद पढ़ रहे होते हैं, तो दिल में अपने तालिब का तसव्वुर करें और उसको याद करें और उसको पुकारें, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, मन तालिब हाजिर शु। ये अमल आपने एक दिन में करना है, असर 3 दिन बाद होगा, 2 दिन में भी हो सकता है और पहले दिन भी हो सकता है। आपका प्यारा हाजिर हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अगर तो किसी मुल्क में होगा तो हाजिर होगा, किसी गैर मुल्क में होगा तो वो आपको कॉल भी करेगा और आपसे रब्ता भी करेगा। अब आपने ये अमल आपने कर लिया, रात को सोते वक्त जब आपने मिर्ची वगैरह जला ली, रात को ही ये नक्श तैयार करें।
نقش تیار کرنے کے بعد آپ نے فلاں بن فلاں حاضر شو کہنا ہے اور اس نقش کو آپ اپنی بازو پر باندھ لیں، بے شک ہاتھ میں ہاتھ پہ باندھ لیں، بازو پہ باندھ لیں، گلے میں ڈال لیں۔ آپ نے اس نقش کو ڈال کر آپ نے پھر دعا کرنی ہے اللہ پاک سے بھی کہ اللہ جس مقصد کے لیے عمل کر رہے ہیں اس کو کامیاب کر دے، ہمارا پیارا لوٹ آئے اور ہم سے بات کرے۔ میاں بیوی کے معاملے میں بھی عمل خاص اہمیت رکھتا ہے، ضرور کیجئے گا۔ اگر پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، رشتہ نہیں آتا ان کی طرف سے، تو یہ عمل آپ پسند کی شادی کے لیے بھی بالکل اسی طرح کر سکتے ہیں۔ جن سے شادی کرنی ہے ان کا نام لے کے عمل کر سکتے ہیں۔ اپنے پیارے کو پانے کے لیے، ٹھیک ہے، اور نکاح کے لیے بھی یہی خاص عمل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ عمل شادی، بیاہ، میاں بیوی، پسند کا رشتہ، نکاح اور اپنے پیارے کو پانے کے لیے یہ عمل خاص کیا جا سکتا ہے، لیکن عمل میرے بتائے ہوئے طریقے سے ہمیشہ کریں، آپ کے لیے بہت آسانی ہوگی۔ عمل کرنے سے پہلے آپ استخارہ اور روحانی علاج اگر کروانا چاہتے ہیں تو مدرسے والوں سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ عمل کرنے سے پہلے استخارہ ضروری ہے، استخارہ فی سبیل اللہ ہے، تو ایک دفعہ ضرور استخارہ کروائیں۔ اس کے ساتھ اجازت دیں، مدرسہ فاطمہ الزہرا للبنات، جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ استخارہ یا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں یا عمل کروانا چاہتے ہیں یا عملیات سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے فیس بک پر آ کر آپ فیس بک کو فالو کر سکتے ہیں اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے وہاں پر ہم سے بات کر سکتے ہیں۔ جو بھی مسئلہ پریشانی ہے اس میں ضرورت آپ کا نام، آپ کی والدہ کا نام، سٹی، کنٹری موجودہ اور مسئلہ بیان، یہ چیزیں بتا کر آپ اپنا استخارہ بھی کروا سکتے ہیں، جزاک اللہ۔ اور اگر آپ نے استخارہ کروانا ہے تب بھی رابطہ کریں، اگر استخارہ نہیں کروانا تو یہ دین ہے، یہ کوئی فن یا انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، اپنا بھی ٹائم ضائع نہ کریں اور مدرسے والوں کا بھی ٹائم نہ ضائع کریں۔ آپ کی وجہ سے بہت سے ایسے لوگ جو پریشان حال گھروں میں ہیں ان کی بھی بات پھر نہیں سنی جا سکتی۔ جزاک اللہ۔